अपने जीवन को बचाने के लिए हर चीज की जरूरत पड़ती है। आर्थिक स्थिति तो पहले है, जब आर्थिक स्थिति अगर कमजोर है, आदमी कुछ ना कुछ तो सोचता ही है कि भाई मैं ऐसा करूँ, कुछ काम करूँ, कुछ खाऊं। आर्थिक स्थिति नहीं है तो कैसे शरीर चलेगा? तो आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। मैं तो बहुत गरीब घर का आदमी हूँ, अपने पिताजी से कुछ हुनर तो मैंने सीखा ही था, उतना कोई कारीगर भी नहीं था, कभी था कारीगर, सीखते सीखते बने गए, फिर कारीगर बन गया। मैं तांबे का काम करता हूँ, तांबे का शिल्पी हूँ। यहाँ तक कि जो मैं किसी नक्शे को भी अगर देख लेता हूँ, वो नक्शा खुद बना लेता हूँ। अरखना है मेरे पास, पंखा चकरी है, हथौड़े हैं, छीनी है, वॉशिंग मशीन है, सभी तांबे के काम के सारे औजार पड़े हैं। तीन जून 1966 से मैंने ये काम स्टार्ट कर रखा है। पहले तो कटिंग से शुरू होती है, पहले तांबा कच्चा तांबा लाते हैं, इसकी कटिंग करते हैं, तो जिस प्रकार का बर्तन बनाना होता है उस हिसाब से कटिंग करते हैं इसे हम। अगर लोटा बनाना है तो लोटे के हिसाब से उसका मुँह को कटिंग करेंगे, तब जाके उसको हम बना पाएंगे। अब ऐसा है, मैं तो वह कारीगर हूँ कि आप किसी चीज़ को भी बताइए, दिखा दीजिए आपको ये बनाना है, मैंने तो उसको बनाना है, मैं भी तो सीख रहा हूँ उसको। टमटम टमटम की आवाज़ आती है, उससे मारते हैं, हथौड़े से मारते हैं तो टमटम की आवाज़ आती है, उससे एक किस्म का बाजा भी बन जाता है। और उसी टमटम की जो आवाज़ आती है, उसी की आवाज़ को लेकर के हम तो ये सोचते हैं कि हमारा हथौड़ा ठीक चल रहा है। अगर हथौड़ा अगर ठीक नहीं चलेगा, उसमें टमटम की आवाज़ नहीं आएगी। तांबे को अगर गर्म नहीं करेंगे तो फट जाएगा। गर्म करने से मुलायम हो जाता है, मुलायम करने से उसमें जो भी काम हम करते हैं उसमें लचीलापन आने से उसमें उसका आकार आने लगता है। अगर ठोस होगा तो उसमें आकार आना मुश्किल पड़ जाता है, आएगा लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कभी बगल की ज़रूरत है तो कभी कभी हथौड़े की ज़रूरत है, कभी पंखा घुमाने वाले की ज़रूरत है, कभी टाँका कूटने वाले की ज़रूरत है, जिससे मिलजुल करके तो काम होता है। आकार देने में जितना ज़रूरत पड़ेगी उतना पीटेंगे उसको, जब तक उसका आकार हमारे पास में नहीं आ जाएगा। जब तक हमारा वो आकार नहीं बनेगा तब तक, अब जॉइंट वाला पीस है, ऊपर के जॉइंट को नीचे मिलाना है, फिर नीचे का जॉइंट को नीचे में मिलाना है, जब तक मैं उसको पीटूंगा नहीं उसको मिलाने के लिए, जब तक दोनों की टक्कर एक नहीं बनेगी तब तक उसमें मैं टाँका नहीं रख सकता, तब तक जोड़ नहीं सकता हूँ, खुल जाएगा वो। मैं तो गांव का रहने वाला था, गांव में अपना जीवन व्यतीत किया, तो विभाग ने कहा, उद्योग विभाग ने कहा, हैंडीक्राफ्ट ने कहा, अब जाओ बाहर, तो सीखा तो सही, उसी से तो सीखा है, पहनना सीखा, बोलना सीखा, दुकानदारी करना सीखा, बिजनेस करना सीखा, ये सारी चीज़ें सीखी, क्या नहीं सीखा।
से तो काम सीखा ही जाता है। अगर कोई चीज़ अगर किसी चीज़ को देख लिया उसी चीज़ से निकल पकड़ी जाती है। ये तो अपने अपने दिमाग की उपज है। मैंने तो 100-150 आदमी को यहाँ पर ट्रेनिंग दे चुका हूँ। अगर इनके पास अपने औजार होते, एक कसमवार डिपो खुल जाता तो छोटे छोटे कारीगर भी अपना काम स्टार्ट कर देते, जिससे इस काम को बहुत आगे को बढ़ सकता है। ऐसी बात है नहीं। सभी शिष्य गुरु थोड़ी बन जाते हैं, शिष्य को भी तो सिखाना ही पड़ेगा।